30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की जो उनके विचारों और कार्यों का कड़ा विरोध करता था। नाथूराम गोडसे के इस कदम के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक कारण बताए जाते हैं, जिनमें गांधी जी की अहिंसा की नीति और भारत के विभाजन में उनकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के साथ हिंदू महासभा से भी जुड़ गए थे। गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थित बारामती जगह पर हुआ था। नाथूराम कहीं न कहीं उग्र हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नाथूराम गोडसे को लगता था कि महात्मा गांधी मुस्लिमों को हिंदुओं की अपेक्षा में अधिक ध्यान देते हैं। यही नहीं बल्कि गोडसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी गांधी जी को ही दोषी मानते थे। 30 जनवरी 1948 की वह सुबह जब दिल्ली के बिड़ला हाउस स्थित प्रार्थना स्थल पर नाथूराम गोडसे द्वारा लगातार 3 गोलियां चलाई गईं और उस गोलियों ने महात्मा गांधी जी की जिंदगी छीन ली। तत्काल गांधी जी जमीन पर गिर गए और उन्हें बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया। कुछ समय बाद ही पता चला कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई है। उस समय गोडसे को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गांधी हत्या का मुकदमा मई 1948 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू किया गया और जिसमें गोडसे मेन डिफेंडेड और उसके सहयोगी नारायण आपटे 6 अन्य सहप्रतिवादी माने गए। 8 नवंबर 1949 को गोडसे और आपटे दोनों को मौत की सजा कर 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आपटे दोनों को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी की हत्या से भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा।